जहां जहां हिंदू महासभा थी इस देश में, बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश जब सीपी था, जो जहां जहां हिंदू महासभा थी, पाकिस्तान में हिंसा क्यों है? सुनिए सुनिए, उसको रोकिए, रुकिए, मैं कहां रोकूंगा उधर जाके, वहां से बम फेंके जा रहे हैं। एक मिनट, एक मिनट, जहां जहां हिंदू महासभा थी, चाहे वो पाकिस्तान देश का देखो, अरे जहां सारे लोग हिंदुस्तान पर क्या बंटवारे में लोग वही साउथ इंडिया में क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर साउथ इंडिया में क्यों नहीं हुआ? हाँ, वो ध्यान रखिए, साउथ इंडिया में क्यों नहीं हुआ? किया आप लोगों ने वही बंगाल में क्या किया, पंजाब में क्या किया? हिंदू महाराजा से वही मैं कह रहा हूँ, आती रही हिंदू धर्म। चलिए परेश जी, फिरोज जी, हमारा समय समाप्त हो गया, माफ करिएगा, हम फिर से इस विषय पे चर्चा रख लेंगे तो फिर आपकी बात पूरी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद परेश जी आपका, फिरोज जी आपका, सुधीर जी आपका, त्रिपाठी जी आपका, और पीडीपी नेता शौकत अली जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस और उसे लेकर जारी सियासी तकरार की। एक तरफ बीजेपी का कहना है कि देश की वर्तमान और भावी पीढ़ियों को बंटवारे की त्रासदी बताने के लिए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाना जरूरी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का आरोप है कि सिर्फ जन भावनाओं को कांग्रेस के प्रति भड़काने के उद्देश्य से भाजपा यह आयोजन कर रही। बहरहाल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन एक सच यह भी है कि हम आजादी का जश्न तो मनाते हैं, लेकिन बंटवारे का दर्द आज भी हिंदुस्तान के सीने को छलनी करता है। लेकिन आज जरूरत है इतिहास की गलतियों से सबक लेकर और विभाजन जैसे दुःस्वप्न को भूलकर आगे बढ़ने की। मेरा आज के इतना ही, नमस्कार।